फर्स्ट टाइम सिटी के बाहर रोड ट्रिप पे, तो हम लोग अभी जा रहे हैं सीहोर के गणेश मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि भोपाल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारे इस सफर में, और हम लोग आपको कराएंगे सीहोर के फेमस गणेश मंदिर के दर्शन। अभी यहाँ पर 6 लेन रोड बनने वाला है, इसीलिए अभी यहाँ पर आधा रोड बन रहा है और आधा लोगों के लिए आने जाने के लिए इन्होंने ओपन करके रखा है। तो अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, मगर जब ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं की एक प्रजाति होती है सरबती, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, तो वो यहाँ पर सीहोर के जो सरबती गेहूं है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और हम लोग भी सरबती गेहूं खाते हैं, और हमें वो मिलती है 42 रुपीज़ पर केजी, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है, मगर उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अधिक जानकारी के लिए हम उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। और आपको रोटी बना के भी बताएंगे कि उसकी रोटी कैसी बनती है, खा के भी बताएंगे। हम लोग ज्यादातर गणेश मंदिर से ही हर चीज अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारी शादी हुई थी, तो हम लोगों का जो शादी का कार्ड था वो हम लोगों ने सबसे पहले गणेश मंदिर में उनको गणेश जी को इनवाइट किया, वहाँ पर रखा था सबसे पहले। शादी के बाद भी हम जो सबसे पहली जगह गए थे वो भी गणेश मंदिर है, तो हमने सोचा कि हमारी गाड़ी के साथ जो हम ट्रिप करेंगे वो भी हम फर्स्ट गणेश मंदिर जाएंगे। तो हम लोग गणेश मंदिर पहुँच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लगभग हमारा रास्ता कंप्लीट कर चुका है और हम सीहोर में आ चुके हैं। अभी हम हैं बाईपास पे, एक रास्ता यहाँ इंदौर तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता जो कि भोपाल तरफ, और ये जो तीसरा रास्ता है बीच के कटता है जो सीधे हमको ले जाता है गणेश मंदिर की ओर। तो अभी हम लोग ने गाड़ी साइड में पार्क की है और एक छोटी सी बाइक ली आप लोगों के लिए, ताकि हम आपको बता सकें कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बस अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, फिर हम पहुँचेंगे गणेश मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे गणेश जी के, उसके बाद कचौड़ी भी खाएंगे, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमें बहुत पसंद है यहाँ की कचौड़ी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सीहोर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में, और अभी हमने कार पार्क की है, और बहुत ही अच्छा काम मुझे ये लगा कि इन्होंने यहाँ पर ग्रीन वाली नेट लगा के रखी, जिससे कि गाड़ी गर्म नहीं होगी, गाड़ी छाए में रहेगी, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। अब उनके पास हम जाएंगे, प्रसाद लेंगे, तो हमको ये चीज़ अच्छी लगी। बस चलते हैं प्रसाद लेने। बिल्कुल, ये है भैया की शॉप, शॉप भी प्रथम है पहले नंबर पे और नाम भी प्रथम है। चलो हम प्रसाद लेंगे, और बहुत सारी वैरायटीज में लड्डू है यहाँ पर। ये वाले देसी घी के हैं, ये वाले देसी घी के हैं, और ड्राई फ्रूट वाले हैं, वो ड्राई फ्रूट वाले हैं। ओके, जय गणेश जी महाराज। चलिए मैडम, अब आप संभालिए। ये है हमारी पूजा की सामग्री और हम चलते हैं मंदिर की ओर। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है, चार चिंतामण गणेश मंदिर हैं हमारे भारत में, जिनमें से एक ये सीहोर का जो चिंतामण गणेश मंदिर वो भी है। दोस्तों,
मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था और बाद में मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर में प्रवेश करते ही आप पहुंच जाएंगे एक बड़े हॉल में, जहां पर गणेश जी के प्रिय मूषक विराजमान हैं। इसके बाद एक छोटा कमरा है जिसकी दीवारें रंगीन कांच से सजी हुई है। इसके बाद है गर्भगृह, जहां पर भगवान गणेश जी माता रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति की आंखें चांदी की हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में गणेश जी की आंखें हीरे की हुआ करती थी। हमें मिला है गणेश जी की तरफ से लड्डू। तो जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे स्वास्तिक बने हुए हैं और ज़्यादातर स्वास्तिक यहाँ पर उल्टे बने हैं। तो इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति की कोई मुराद हो, कोई इच्छा हो, तो वो यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बना के जाता है और जब भी उसकी जो भी इच्छा हो पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आके उसको सीधा बना के जाता है। तो इस मंदिर में ढेर सारे उल्टे स्वास्तिक बने हुए हैं। फिर मान पूरी होने पर वापस आते भी हैं और इसमें आपको कई सारे सीधे साथिये भी दिख रहे होंगे बनाए गए। तो अगर आप भी कुछ भगवान जी से चाहते हैं मांगना, तो आप यहाँ पर आके उल्टा स्वास्तिक बना सकते हैं और वो गणेश जी आपको वो जरूर देंगे, जैसे कि हमें मिले हम दोनों। तो यहाँ पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जो कि पेड़ की जड़ों पर गणेश जी का फेस उभरा हुआ है, तो यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं। हम लोगों ने चिंतामन गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी, आई थिंक हम प्लान कर सकते हैं कुबेरेश्वर धाम के लिए। तो पर उससे पहले हम लोग खाएंगे सीहोर की फेमस कचौड़ी और इसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कुबेरेश्वर धाम जाने का। ये देखिए अंकल जी कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। आई थिंक आप रेडी हैं कचौड़ी खाने के लिए? ये अलग बट सीहोर की स्पेशलिटी है, यहाँ इसकी कचौड़ी का टेस्ट भी बहुत ही मतलब शानदार कह सकते हैं आप। आप जब भी आएँ तो कचौड़ी जरूर टेस्ट कीजिएगा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको गणेश जी के दर्शन अच्छे से हुए होंगे और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे एक नई ट्रैवल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।